जरा ईशा की इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ नजर आया? अब ईशा की पुरानी तस्वीर देखिए, अब कुछ फर्क समझ आया? चेहरे पर बदलाव साफ दिख रहा है। यस यस यस, ईशा ने करवा ली है लिप सर्जरी, और ये लिप सर्जरी ऐसी हुई है कि ईशा के होंठ और फूल गए हैं, इसीलिए आजकल वो काफी ट्रॉल हो रही है। अरे भाई, ट्रॉल होने वाली बात है ही, कॉस्मेटिक सर्जरी लोग करवाते हैं सुंदर रहने के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, और हम बात कर रहे हैं ईशा की लिप सर्जरी की। तो भाई आपको बता दें, ईशा और आहाना इन दिनों मथुरा में है। दोनों बहनें माँ हेमा को तीसरी बार मथुरा से सांसद बनाने के लिए चुनाव प्रचार में जुटी है। लेकिन माँ का चुनाव प्रचार तो छोड़िए, यहाँ तो ईशा का खुद का प्रचार हो गया। ना 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 ना, पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। अपने तलाक को लेकर ईशा वैसे ही सुर्खियों में थी, पर तलाक के बाद एक बार फिर अपने होठों की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। ईशा का नया लुक क्या सामने आया, खबरों का बाजार फिर से गर्म हो गया। दरअसल ईशा अपनी छोटी बहन आहाना देओल के साथ मथुरा पहुंची है। दोनों बहनों ने वहां बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और लोकसभा चुनाव 2024 में मां हेमा मालिनी की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। पर इसी बीच जैसे ही उनकी मीडिया से बातचीत का वीडियो वायरल हुआ, वो नेटिजंस के निशाने पर आ गई। लोगों का ध्यान उनके लिप्स पर गया, तो पाया गया कि ईशा देओल के लिप्स काफी सूजे हुए नजर आ रहे हैं। नेटिजंस का कहना है कि ईशा ने लिप सर्जरी कराई है, जो कि शायद ठीक भी है। तस्वीरों में साफ डिफरेंस देखा जा सकता है। बस इसी के बाद से अपने नए लुक को लेकर ईशा को जबरदस्त ट्रॉल किया जा रहा है। लगता है ईशा की लिप सर्जरी फेल हो गई है। तभी तो खूबसूरत लगने की बजाय उन्होंने तो अपना चेहरा ही बिगाड़ लिया। ऐसा तो नहीं कि द सर्जरी हैज गॉन रॉन्ग, क्यों, सोचने वाली बात है ना। वेल, अब तो जो होना था हो गया। फिलहाल तो अब नेटिजंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है लिप फिलर्स बैन होने चाहिए। एक और ने कहा पता नहीं ये लोग क्यों अपनी बॉडी चेंज करने की कोशिश करते हैं। वहीं एक और ने लिखा लिप सर्जरी कराने के बाद वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है, इसी को कहते हैं प्रतिष्ठा में प्राण देना। पर एक बात समझ नहीं आई कि ये लिप सर्जरी आखिर ईशा ने कराई क्यों। ना तो ईशा कोई बड़ी फिल्में कर रही है और ना ही कोई ऐसा काम जिससे उनको इस चीज की जरूरत पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि चक्कर कुछ और ही है। देखो भाई, हम तो कुछ नहीं कह रहे, अब तलाक तो हो ही चुका है, फिर मूव ऑन करने में क्या बुराई है, क्यों, है ना। बाकी आप समझदार हैं, इशारे समझ ही जाएंगे। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।